किधर है लड़का? क्या बोला क्या? सर नाम क्या तेरा? रमना साहब। तू एक काम कर, कैंटीन से नाश्ता बोल क्या? जा जा। क्या करता है? बूट पॉलिश करता हूँ साहब। अब देखते हैं मुझे रोजाना यहाँ पर। पढ़ाई की है? तीसरी तक साहब। तीसरी तक पढ़ा है? आगे करेगा पढ़ाई? आप पढ़ाओगे? अरे हाँ, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा तुझे ना। ये ले 500 रुपए। कल से तेरी पढ़ाई का, तेरी किताबों का और तेरी स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? ऐसे क्या देख रहा है? आप तो बिल्कुल चेंज हो गए सर। जब मैं पहले आता था तब ऐसे करके भगा दिया। हाँ मैं चेंज हो गया हूँ। अब तू भी चेंज हो जा और जाकर पढ़ाई कर, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पॉलिश कर दूँ आपकी? हाँ, कुछ नहीं करना अभी, कुछ नहीं करना। जी साहब, कल मैं आपको किताबें लाकर दिखाऊंगा। तू इससे किताबें खरीद या ना खरीद, या जो चाहे करना कर। अभी यहाँ से जा, चल 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 चल। सर ये क्या था? पहले तो आप इसको देखते ही भड़क जाते थे, इतना बड़ा चेंज। अभी अभी वो भी यही सवाल पूछ कर, तुम दोनों का आईक्यू सेम है क्या? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा तू थोड़ा स्मार्ट होगा। क्या सर? अरे बेवकूफ, इसे चेंज नहीं, चेंज धारण करना बोलते हैं, बदलाव का नाटक। ये जो अपना बॉस है ना, दिवाकर लिमय, ये वो करुणा फरुणा वाला आदमी है। गरीब की सेवा करना, दया भक्ति दिखाना, ये सब। तो ये जो 500 रुपए मैंने दिए ना, इट्स नॉट अ वेस्ट। आई होप इट वर्क्स। आप प्रेजेंटेशन देख लिया है, बट इसमें थोड़े चेंजेस की जरूरत है। मैं कमेंट सर? या ओके, ऑल राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिहिर। जल्दी आते हो ऑफिस? मैंने आज सुबह देखा था तुम्हें उस लड़के के साथ। कौन लड़का सर? अरे वो बूट पॉलिश वाला लड़का जिससे तुम सुबह बात कर रहे थे। ओह, राजू। सर वो यही रहता है। सर मैं जब भी उसे देखता था ना, मन में ऐसा लगता था कि उसके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ करूंगा। आई मीन, सिर्फ उसी के लिए नहीं, पर डिसाइड कर लिया था कि उसी से शुरुआत करूंगा। सर अभी पिछले महीने उसकी पढ़ाई शुरू करवाई, तो उसी के बारे में बात कर रहा था सर, और कुछ नहीं। वेरी वेल डन मिहिर, आई एम ह्यूजली इम्प्रेस्ड। तो तुम कल कह रहे थे ना कि पिछले 7 साल में तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां से आए हो, क्या थे, कैसे हो गए हो। तुम्हारे उस सवाल का जवाब है मेरे पास। तुम आज भी गुजरात के एक छोटे से कस्बे के एक सिंपल और सुलझे हुए इंसान हो, जो लोगों के बारे में सोचता है, उनकी जरूरतों के बारे में सोचता है। आई लाइक यू मिहिर। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, ये उन नए क्लाइंट्स की प्रेजेंटेशन फाइल, just have a look. Sure. Sir, may I leave? Sure. Thank you, sir. अरे मिहिर। Yes, sir. मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बताइए सर। मैं अपने लिए घर ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम्हारी नजर में कुछ हो तो जरूर बताना। Sure, sir. We'll let you know as soon as possible. Much appreciated. Thank you. Thank you, sir. यार कैसे हो गया यार? How can I bloody miss this यार? सर क्या हो गया सर? सब ठीक है? अरे क्या ठीक? कहता हूँ सर, बेवकूफ हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो सर? आ रहा हूँ। Sir, yes मिहिर। सर आपने घर के बारे में बोला था, मैं बताना ही भूल गया सर। मेरी सोसाइटी में एक ऑप्शन है सर। सर इट्स अ वेरी सिंपल सोसाइटी, बट इट्स एन आइडियल प्लेस टू लिव इन। सर उस सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। सर वहां पे एक पेंट हाउस है जो आपकी पोजीशन को बिल्कुल सूट करेगा। व्हाई डोंट यू कम एंड सी इट सर? अरे मिहिर, इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए। आई एम अ डिवोर्सी। एक बेटा है, वो कभी कभी आता है रहने साथ, तो अगर 2 लोगों के हिसाब से जगह मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी। श्योर सर, मैं कोशिश करूंगा कि वैसा घर मिल जाए। पर सर आप घर देखने कब आएंगे? 1 मिनट। सैटरडे चले? सैटरडे हाफ डे है ऑफिस का। श्योर सर, नो वरीज। और सर आप घर देखने आ ही रहे तो आप मेरे घर पे डिनर भी कर लीजिएगा सर। सर धरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। धरा? सर धरा मेरी वाइफ का नाम है। नहीं मेरे डिनर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा घर देखने जरूर चलेंगे। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। यार कमाल है यार, फोन रखने के लिए कह रहा हूँ तुमसे और तुम कि रख दिया ना। अभी चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ नहीं रहा यार, तुमसे बात करनी है मुझे और तुम हो कि फोन रखने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे रख दिया ना, बताओ क्या बोलूं। शनिवार को मेरा बॉस आ रहा है यहाँ पर, उसे घर दिखाना है मुझे। प्लीज मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पर तुम घर पे रहो। क्या संडे को मैच है मेरा? मैंने बताया तो था स्टेट लेवल के बॉलर्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यार धरा रोज प्रैक्टिस के लिए जाती तुम, एक दिन जाओगी नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा। संडे को मैच है, मैं सैटरडे को प्रैक्टिस भी ना जाऊं? कैसी बात कर रहे हो आप? और रॉय सर ने चैलेंज ले लिया हमारे लिए। धरा मैंने भी किसी को चैलेंज किया है और ये मेरी करियर का सवाल है। देखो बॉस मेरा घर पर आ रहा है सैटरडे को, चाय नाश्ता तैयार होना चाहिए। यार एक दिन प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगी तो तुम बैटिंग भूल नहीं जाओगी। आई डोंट नो एनीथिंग, तुम घर पर ही रहोगी, दैट्स इट। अरे सर कैसा लगा घर? अरे बहुत अच्छा घर था यार। सर अगर फाइनल करना है तो बता दीजिए, मैं पेपर वर्क तैयार करता हूँ। हाँ श्योर, थैंक यू। और सर रेंट के बारे में भी अगर कुछ बात करनी तो मुझे बता दीजिए सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ज्यादा बार्गेन करने की जरूरत नहीं है, घर बहुत अच्छा था, हाथ से निकल जाएगा। आइए ना सर, आइए आइए सर। थैंक यू वंस अगेन। फूल क्या हुआ? फूल खिल गया। अरे वाह, गुलाब का फूल, वो भी यहाँ बॉम्बे में। हाल है यार। अरे सर आप टेस्ट कीजिए ना सर। सर प्लीज, ये पात्रा है सर, ये हम गुजरातियों की स्पेशलिटी होती है। हाँ खांडवी है, खांडवी सर, खाइए ना सर। क्या बनाया है यार। यू नो गुजरात कई साल पहले जब मैं गया था तब मैंने इतना स्वादिष्ट खाया। मिहिर कह रहा था कि मुझे आपके घर पे डिनर के लिए आना है, पर मेरा पहले से कोई प्लान फिक्स था। लेकिन अब ये बात तो तय है कि डिनर के लिए तो आना ही पड़ेगा। हाउ अबाउट थर्सडे? अरे सर कल संडे है सर, गुरुवार तक क्यों राह देखनी है? सर मेरा तो ये मानना है कि ऐसे अच्छे विचारों को ना जल्दी पूरा कर देना चाहिए। अरे नहीं इतनी जल्दी कैसे यार। अरे सर संडे को छुट्टी है और सर आप ही कहते हैं ना कि यू आर अ मैन ऑफ एक्शन, तो सर मैं कहता हूँ ये डिनर वाले एक्शन को भी ना जल्दी पूरा कर देते। हाँ कल संडे गुजराती थाली पूरी मिलेगी ना। तुम्हें पता है कितना बड़ा काम हुआ है हमारा? बॉस हमारे घर पे आए, कितने खुश हुए वो। बहुत बड़ा दिन है ये धरा। और खुश क्यों ना होते, तुम्हारे हाथ की खांडवी जो खाई उन्होंने। और तुमने देखा तुम्हारी खांडवी खाकर कैसा कहा उन्होंने, अरे वाह मजा आ गया। खांडवी खाने से पहले उन्होंने गुलाब की तारीफ की। I'm sorry धरा, मैंने भी देखा था गुलाब के फूल को, लेकिन वो क्या है ना बॉस मेरे सामने बैठे थे तो मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं कर पाया। मेरा पूरा कंसंट्रेशन और फोकस ना सर पर था। आई एम रियली सॉरी धरा। वाओ यार, सालों बाद ऐसा खुशबू वाला गुलाब देखा मैंने। तुम जानती हो तुम्हें ना मुंबई में क्लासेस खोल लेने चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि भाई मुंबई में भी ऐसे खुशबू वाले गुलाब उगा सकते हैं हम। धरा कहा ना आई एम सॉरी प्लीज। आपके सर कह रहे थे कि वो डिनर के लिए थर्सडे को भी आ सकते हैं, तो आपने उन्हें कल ही क्यों बुलाया? आपको पता है ना कल क्या है? संडे है, छुट्टी है कल, और क्या? उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा बॉस खाने के लिए आ रहे हैं, और क्या? भूल गया, मैंने आपसे कहा था किरण मोरे सर के दो लड़के बोलिंग करने के लिए आ रहे हैं और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है। आप भूल कैसे सकते हो इतनी इंपॉर्टेंट बात को? ये छोटी छोटी बात ना मैं ध्यान में नहीं रखता। छोटी बात? और नहीं तो क्या है। तुम शायद देख नहीं पा रही हो कि मैं अपने सपने पूरे करने में लगा हूँ और मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। और मेरा भी एक सपना था कि मैं एक दिन लड़कों की बुलिंग को फेस करूं और कल वो सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा हर एक के सपनों में ना फर्क होता है। कई बार हम अपने शौक को अपना सपना बना लेते, वो रंगीन भी होते लेकिन उससे जिंदगी में ना कुछ भी हासिल नहीं होता। और कई सपने ऐसे होते जो जिंदगी की इंसान की हकीकत को ही बदल देते। मैं भी ऐसा ही एक सपना देख रहा हूं जो हमारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हारे सपनों से हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैंने बॉस को कल बुलाया था क्योंकि मैं अपनी जरूरतों को लेकर बहुत ही क्लियर हूं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी क्लियर होना चाहिए। समझी तुम? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे सपने हमारे कोई काम के ही नहीं है तो फिर बात करना ही बेकार है। बुला लीजिए उन्हें, मैं सब रेडी रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कल बॉस को मना कर देता हूँ। अरे प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आने दीजिए उन्हें, कर लूंगी मैं मैनेज। प्रैक्टिस सेशन के बाद आके सब कुछ तैयार रखूंगी और मैं खुद भी तैयार रहूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे ये भी पता है कि मैं किसके सपनों से ज्यादा अटैच्ड हूँ। पता है मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।